हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम कैसे चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की है, ठीक है। अब स्ट्रीम कैसे चूज़ करनी है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस जगह चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप अभी क्लास 11th में आए हैं, तो आप सभी के लिए एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करना। चलो बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के सब्जेक्ट्स, दो स्कूल, मतलब कि आपके स्कूल में दो टाइप हो गए। देखो कौन कौन से। एक होगा आपका जहाँ पर आप 5 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और एक होगा कि जहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। ओके, तो ये आपके हो गए 6 सब्जेक्ट। अब हमें ये समझना है कि 6 सब्जेक्ट कैसे होंगे और ये 5 सब्जेक्ट कैसे हो रहे हैं। देखो, जो जहाँ पर आपके स्कूल में अगर 5 सब्जेक्ट हैं, तो क्या होगा वहाँ पर, एक तो आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। ओके, फिर आपने जो भी अपनी स्ट्रीम ली हुई है, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो उसके मेन सब्जेक्ट यानी कि आपके PCM हो रहे होंगे, तो फिर हम उसको बोल सकते हैं 3 आपके क्या होंगे, मेन सब्जेक्ट्स। बात क्लियर है? हाँ भैया, ये बात समझ में आ गई। ओके चलो, अब देखते हैं और क्या होगा। और एक आपको होगा यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है ठीक है। पहले हम पैटर्न थोड़ा समझते हैं ताकि हमारी हेल्प हो सके। चलो अब देखते हैं कि इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बाद क्या हो रहा होगा। अगर हम 6 सब्जेक्ट की तरफ आएं तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपका होगा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस इंग्लिश के साथ में आपका हो रहा होगा यहाँ पर सेम, अगर बात कर दूँ तो। चलो अब देखते हैं, इंग्लिश के साथ आपके 3 मेन सब्जेक्ट सेम होंगे, 3 आपके होंगे मेन सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ होगी आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, पहले भी देखेंगे अब आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ओके, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हम देखेंगे क्या अवेलेबिलिटी, ठीक है। देखो आपके स्कूल में कौन कौन से अवेलेबल हो सकते हैं। अब हो सकता है आपके स्कूल में ज़्यादा हो, मेरे टाइम पे जो थे मैं उसकी बात करता हूँ। मेरे इस टाइम पे म्यूज़िक था, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, फिर कंप्यूटर साइंस, हिंदी, और आपका एक और सब्जेक्ट होता है विच इज फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब देखो आपके जो चॉइसेस है वो जिस तरीके से आपको दी जाएंगी, अगर पहले हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जिनके मैं इनके स्कूल में 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट चूज करना है एक ऑप्शन, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर चूज करना है। इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि हो सकता है कि आपको, अगर आपका जो मेन स्ट्रीम है अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है और आप चाहते हैं कि आप अपना ऑप्शनल में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, तो इसका सबसे मेजर बेनिफिट क्या है कि आप एक क्लास 11th में और 12th में आपको यह पढ़ने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कोडिंग पढ़ने को मिल जाएगी। अब कोडिंग जो स्किल है एक बहुत ही अच्छी स्किल मानी जाती है, क्योंकि कोडिंग समझना, जब आप इतनी छोटी इससे कोडिंग को समझते हो तो आपको, जब आपने अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो रही होती है। आप और बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं, लेट अस सपोज ये एक बच्चा है
ठीक है, इसने कोडिंग पढ़ी है, और एक ये बच्चा है इसने कोडिंग नहीं पढ़ी है। तो जिसने कोडिंग नहीं पढ़ी है और आपने कोडिंग पढ़ी है, तो आपकी सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो होती है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी। ठीक है, आपकी जो ये स्किल्स हैं प्रॉब्लम वाली, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास एक ऑप्शनल है तो आपको इंटरेस्ट और करियर को देख के ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, किस तरीके से करना है ये भी देख लेते हैं। अगर आपके पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब जिनके पास दो ऑप्शनल जिनको चूज़ करने हैं, ठीक है, तो अगर एक आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, और उधर मान लो हिंदी भी एडिशन में है उसके, दूसरा आपके पास ऑप्शन है फाइन आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के साथ म्यूज़िक। अब देखो, आपको आर्ट्स और म्यूज़िक में कुछ भी ले लो, ये आपके ऊपर है टोटली, बट मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस को ज़रूर चूज़ करना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस को क्यों चूज़ करना है, मैंने आपको बताया, अगर आप वहाँ पर कोडिंग पढ़ोगे, एक कोडिंग क्या है ना, बेसिकली अलग लैंग्वेज है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, और यूजुअली प्रोफेशनली कई बार यूज़ करते हैं, इंग्लिश को भी यूज़ करते हैं, तो क्या है कि वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होता है कि हमें एक दूसरे से अपना जो मैसेज पहुंचाने का तरीका है वो होती है लैंग्वेज। ओके, अब सिंपली क्या होता है, कंप्यूटर में आप कोडिंग पढ़ते हो, ठीक है, तो कोडिंग भी क्या है आपकी, कोडिंग भी हमारी एक लैंग्वेज है। अब एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप इस लैंग्वेज से मशीन से कोई भी काम करवा सकते हो, ठीक है, जो सा कि आप चाहते हो उस तरीके से। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था कि मैं ऑप्शन सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है। ओके, बाकी हम आपसे बात करेंगे ऐसी और ऐसी वीडियोज़ आप सभी के लिए बनाता रहूँगा। मिलेंगे हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और इस चैनल को आप दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। इसमें काफ़ी आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं फ्री मेंटरशिप लेके आ रहा हूँ जो भी बच्चे क्लास 11 के उनके लिए, और उसमें क्या क्या रहेगा, कैसे वो अवेल कर सकते हैं, यानी कैसे वो मेंटरशिप उनको भी मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।